गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा ये है कि हमने ये OBD2 और फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो आज हम इसको KTM बाइक में टेस्ट करने वाले हैं, KTM 390 को। उसमें फोल्ड तो है नहीं कोई भी ऐसा, तो हम उसमें ऐसा करने वाले हैं कि इसमें फोल्ड को क्रिएट करेंगे, फिर उसे टेस्ट करेंगे कि या ये सही बताता है या नहीं बताता है। तो चलिए हम फोल्ड गाड़ी के अंदर फोल्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये सही से फोल्ड बताता है या नहीं बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताना नहीं चाहिए। तो ये इंटरिंग कर रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और अभी देख सकते हो हम लोग इसको ये रीड कोड्स करेंगे कि गाड़ी के अंदर कुछ फोल्ड है कि नहीं। तो करंट DTC हम इसको चेक करेंगे, द व्हीकल हैज़ नो फोल्ड कोड। तो ये बता रहा है कि इसमें कोई भी फोल्ड कोड नहीं है, और इसमें कोई भी फोल्ड नहीं कोड तो है नहीं अभी। तो हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद ये जो आपको ब्लू कलर का सॉकेट दिख रहा है, ये थर्मल सेंसर का सॉकेट है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग इसको एग्ज़िट करेंगे। अब चाबी स्विच ऑफ कर ज़रा, ये कपलर हमने निकाल दिया है इसका। अभी हम इसको वापस से OBD को डायग्नोस करेंगे, देखते हैं क्या फोल्ड बताता है। तो चलिए हम रीड कोड्स करते हैं, करंट DTC प्रोसेसिंग में। ये सॉकेट को डिस्कनेक्ट करके फोल्ड क्रिएट कर दिया है, अभी देखते हैं कि ये फोल्ड बताता है कि नहीं। तो सबसे पहले एग्ज़िट कर लेते हैं एक बार, इसके बाद रीड कोड्स करते हैं, उसके बाद करंट DTC करते हैं। पेंडिंग DTC, ये देखिए, ये पेंडिंग DTC में बता रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट हाई। तो ये देख रहे हो आप, जो इंजन टेम्परेचर का जो सर्किट है वो यही सर्किट है जो हमने ओपन कर दिया है, तो इसलिए ये इसका फोल्ड बता रहा है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बार वापस। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। अब एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे जो है वो इरेज कोड करेंगे। अब यहाँ पे लिख के आ गया, एमिशन रिलेटेड डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियरेड, यानी कि गाड़ी के अंदर अभी फोल्ड नहीं है। चाबी ऑफ कर दो, अभी ऑन करो। अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे, उसके बाद वापस से रीड कोड्स करेंगे, अब ये इंटर करेंगे, द व्हीकल हैज़ नो फोल्ड कोड। तो भाई OBD2 जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, मैंने आप लोग को सामने ये वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर वो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।